प्यारे साथियों, असम राइफल न्यू वैकेंसी जारी हो गई। तो राइफल ट्रेड्समैन में जाने के लिए आपको बहुत ही गुड न्यूज, आपके लिए 1230 पोस्ट है। तो जब लोकेशन होगा असम में, सारा आपका जो ड्यूटी होगा असम में ही आपको ड्यूटी का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखो। एज लिमिट कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, आपका सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ डिटेल्स क्लियर कर दो। तो असम राइफल ट्रेड्समैन का ये न्यू वैकेंसी 1230 पोस्ट है। ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, आपको जॉब असम में ही होगा, असम से बाहर आपको नहीं जाने का मौका मिलेगा। असम राइफल्स, असम में आपको 60 ईयर्स तक ड्यूटी करना है। तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और 12th पास। ठीक है, तो कौन सा पोस्ट है ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, आपको तो पता ही होगा। ट्रेड्समैन में ग्रुप डी का पोस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी कुछ पोस्ट है, नैब सूबेदार और हवीलदार पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको डिटेल्स क्लियर कर दूं, आपको 1230 पोस्ट है। तो आपको मेल सफाई करने के लिए ट्रेड्समैन 10th पास चाहिए, जो होता है कुक, बर्बर और हमारा जो झाड़ू सफाई ये सब करते हैं, आपको कुक में जो रन्ना करते हैं, ठीक है, चिकन वगैरह मछली जो होता है हमारा ड्यूटी का खाना, तो इसके लिए आपको 10th पास का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ट्रेड्समैन में आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद भी इलेक्ट्रीशियन है, वेरिटिनर है, डिसाइल मशीन है, तो आपको मैकेनिकल का भी कोई पोस्ट है, इसके लिए 12th पास चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से अपना फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। तो टोटल आपको 12th पास का भी कुछ पोस्ट है और 10th पास का भी कुछ पोस्ट है, तो आप अपना फॉर्म को कर फिलअप कर सकते हैं। तो आपका 10th पास का अगर सर्टिफिकेट है तो आप 10th पास में आप सफाई का, मजदूर का, ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कुक में। ठीक है, तो मेल सफाई के लिए 10th पास चाहिए 18 से 23 ईयर्स तक, आपको एज होना चाहिए 18 से 23 ईयर्स तक, 23 ईयर्स। और जो होता है हमारे फीमेल सफाई, फीमेल के लिए है 18 से 25 साल तक। ठीक है, एक्सरे कैंडिडेट के लिए चाहिए आपको 12th पास चाहिए और डिप्लोमा और रेडियोलॉजी चाहिए 18 से 23 ईयर्स तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन में चाहिए 10th पास, उसके साथ ITI चाहिए 18 से 23 ईयर्स तक। ठीक है, तो आपका सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, 21,700 लेकर आपको 69,100 रुपया तक सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस सुनो, सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपको PET और PST टेस्ट होगा, पहले आपको फिजिकल होगा और फिजिकल मेजरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इधर साफ लिखा गया एक सर्विसमैन के लिए आपको चाहिए 35%, 100 में से 35 आपको पास नंबर हो तो आप अपना एग्जाम को पास कर सकते हैं। SC ST OBC के लिए 33% चाहिए। ठीक है, तो आपको 100 नंबर में से 33 क्वेश्चन अगर ठीक करते आए तो आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, हाइट भी एक बार सुनो, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट मेल के लिए चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ड्यूटी है, आप अपना फॉर्म फिलअप को कर सकते हो। जो आपका रनिंग होगा मेल के लिए फिजिकल में रनिंग होगा 5 किलोमीटर रनिंग, 24 मिनट टाइम दिया जाएगा, फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग, 8 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका फिजिकल हो गया, आपका हाइट हो गया, आपका एग्जाम हो गया। मेडिकल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी एक बार सुन लो, आपका 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नहीं तो पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता, आई लव माई इंडिया।